यशोमती मैया के नंदलाला। महाराज, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि जिस लोभासुर के बारे में आपने हमें बताया था उसे गोकुल भेज चुके आप। लो, इस असुर को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं प्राप्ति, ये तो पहले से ही हम सबके मन में उपस्थित है। अब बस केवल गोकुल वासियों के मन में इस विशेष असुर को जागृत करना होगा और फिर उसका प्रयोग करना है अपने लाभ के लिए। आनंद ही आनंद गोकुल। अब यही होगा गोकुल का भविष्य। किसी को संदेह हो उससे पहले मुझे नींद भी होने का स्नान करना पड़ेगा। आप सब ब्याह क्या करी हो? अपने काना से मिलने आई हो? ना लल्ला, जे तो देखने आई है कि तू घर पे था कि ना। मैंने कही थी ना असत्य के पाँव ना होते, सत्य आ गो ना सामने, मिल गई शांति। पर भाभी, अगर कान्हा यहाँ है तो फिर मेरे घर पे कौन आया था? स्वप्न आया था। आया तो मैं ही था जानकी, पर मैया के सामने स्वीकार ना कर सकते हो, सत्य बताती हो तो मैया मुझे डांटेगी भी और बाहर जाने पे भी रोक लगा देगी। ना, वो स्वप्न ना था, कान्हा ही था। अवश्य ही जे वापस आके फिर से सो गया होगो, पर अब मैं कछु कह ना सकती, कोई मुझ पे विश्वास ही ना करेगो। वैसे तो विश्वास मुझे भी ना हो रहा था कि आज बच पाऊंगा मैं, वो तो भला होता होगा, बिल्कुल सही समय पे पहुंचा दियो मुझे। दाऊ सहायता करो ना, मेरे पीठ पर चढ़ो और दीवार फान जाओ, और सुनो पीछे के द्वार से भीतर जाना। तुम सबको अभी भी कोई संदेह हो तो बता दो। नाना, हमें तो कछु संदेह नहीं था। अधिक बातें बनाने की आवश्यकता ना है कस्तूरी, संदेह ना होता तो आती यहाँ। नाना जी जी, मैं तो सच्ची कान्हा के लिए यहाँ पर आई हूँ। सुबह बालकों की बात सुनी थी
कह रहे थे कि कान्हा गिर गयो है, इसीलिए देखने चली आई। मेरा घर बहुत दूर है ना, इसीलिए आने में तनिक देरी हो गई। तो तू इतनी दूर क्यों खड़ी है, इधर आ। बस केवल जे सावित्री है जो मेरे लल्ला की सच्ची हितैषी है, इसीलिए केवल जे ही रुकेगी आज यहाँ। और तुम सब आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रस्थान करो। नारायण नारायण। क्या हुआ है आज, मुझे कछु ना पतो, पर कम से कम मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। यही तो मेरा उद्देश्य था जानकी। जानकी, कछु और संदेह है क्या? जी माखन, कहीं जानकी सच तो ना कह रही? मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। सावित्री मौसी अब मैया को मती बता देना। यदि सच में कान्हा ने जानकी के घर माखन खायो है, तब तो बहुत सौभाग्यशाली है वो। चाहो तो ये सौभाग्य आपको भी मिल सकते है मौसी। जानकी के स्थान पर यदि कान्हा ने मेरे हाथ का माखन खायो हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिल-खिल जाती। तो फिर अगला घर आपका। अगला घर किसका? क्या कही तूने? वो मैया, वो मैं कह रहा था, आज सावित्री मौसी मुझे देखने आई है, अगली बार मैं इनसे मिलने घर चल जाऊंगा। इतनी प्रसन्नता की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। पर लल्ला, मेरा घर बहुत दूर है, ना तो तू आ पाएगा और ना ही जीजी तुझे आने देगी। बिल्कुल सही कह रही है सावित्री मौसी लल्ला, इनका घर बहुत दूर है, इतना दूर जाने की आवश्यकता ना है। यदि मेरा घर भी निकट हो तो मैं भी दूध दही माखन छाछ सब बड़े चाव से खिलाती इसे। माखन दिला तो अभी आरंभ किए है मैंने, अब देखो आगे क्या क्या करती हूँ मैं। सावित्री, तू कहाँ खो गई? लो कर लो बात, तुम इतनी दूर से आई हुई हो, मैंने अभी तक कछु खाने को भी ना पूछा। अरे ना ना जीजी, मैं तो बस कान्हा को मिलने आई थी, अभी और बैठूंगी ना तो अंधेरा हो जाएगा। कछु तो खा के जा। ना जीजी, कल वैसे भी साप्ताहिक हाट लगने वाला है, तो माखन बेचने की तैयारी करनी है। नारायण नारायण। लगता है आप जिस बीज की बात कर रहे थे महाराज, उसे बो चुके हैं आप। बिल्कुल सही पहचाना प्राप्ति। इस समय मेरा बोया लोभ का बीज गोकुलवासियों के मन की भूमि पर महत्वाकांक्षाओं का पोषण पा रहा है। अब तो केवल सुबह तक की प्रतीक्षा है, सूर्य उगते ही गोकुल में लगेगा हाट और पनपेगा लोभासुर।
कल सुबह देवकी और वसुदेव को मेरे सामने बुलाना। बहुत दिनों तक शांति से जी लिए वो दोनों, अब उनकी शांति का होगा नाश और मुझे मिलेगा आनंद, परम आनंद। जाम कहाँ है बाबा? क्या हो रही है यार? ये साप्ताहिक हाट है लल्ला, मैंने सोचो मंदिर जाते जाते तुझे ये भी दिखा दूं। हाँ, हाँ लल्ला। सप्ताह भर गोप गोपियां जो दूध दही माखन इकट्ठा करते हैं ना, उसे यहाँ लाके उन ग्राहकों को दे देते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है। जेते तो क्या गोदी आके माखन ले सकते हैं? हाँ लल्ला, कोई भी ले सकते है, पर उचित मूल्य चुका कर। कभी कोई व्यक्ति सिक्के दे तो है, तो कभी कभी कोई दूसरी वस्तु दे तो है, और कभी कभी तो विक्रेता की सेवा करके अपना मूल्य चुका तो। अच्छी लगी हाट? चल अब मंदिर के लिए विलंब हो रहा है। ना 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 ना, एक के एक, एक दोनी दो, एक दिया तीन। गिनती का खेल मत ही कर, पर तो है सुबह से एक भी ना बिको है। अरे मैया को अकेले छोड़ के जाएगो? सजा दजा सकट है जे? इत्ता थाट बाट है कौन जे? अवश्य ही कोई धनवान व्यक्ति होगो। आज तो अवश्य गोकुल का भाग चमकने वाला है। चाय कर लल्ला। मैया, इतने सारे लड्डू? हाँ लल्ला, प्रतीक्षा कर लल्ला, भोग तो लगाने दे। आओ बहन, आओ, स्वागत है। कुंवर जी, आपका भी स्वागत है। जानते हो, जब चूहा भूखा होता है कभी शांत नहीं बैठ सकता,
धमा चौकड़ी, उधम, अस्थिरता उसका स्वभाव बन जाता है। ऐसी ही अस्थिरता इस समय गोकुल में भी फैली होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.